हेलो इंडिया, नमस्ते इंदो। तो ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ बन रहा है। ये कल रात को ही प्लानिंग हुई है इनकी, सीएम साहब की। कम से कम 100 परिवार हैं यहाँ पे जिनको कोरोना में सहायता मिली थी, तो उनसे मिलने आ रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा एक दिन में ही ये पंडाल बन रहा है। देखो आप, ये एडिशनल एसपी वगैरह, ये सब कलेक्टर सब खड़े हैं यहाँ पे। तो कल ही प्लानिंग हुई थी, यहाँ पे सब आए थे, तो यहीं पे जो है ना पूरी बोला कि यहीं बनाते हैं अपन। एक दिन में ये पूरा खड़ा कर दिया है इसके यहाँ पे। और आज बारिश ने काम ख़राब कर दिया है इनका, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। सीएम आ रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे लोग नेता लोग बैठेंगे यहाँ पे, और जो 100 परिवार हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। सबसे फेस टू फेस मिलेंगे सीएम साहब कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हो, जो भी उनका रूटीन होगा, जो बात करने का। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या बना रहे हो? फैला रहे हो इसको पानी के चक्कर में? चलो फैलाओ। कल सीएम साहब आएंगे, तो चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। हाँ, कहाँ पे? यूट्यूब पे डालो। हाँ, हरी भाई इंदोरी। इनको आज ही कंप्लीट करना है ये पूरे। तो कल सीएम आएंगे 12 बजे, तो इनको आज रात में पूरा कंप्लीट करना है पूरा। जोरों शोरों से काम चल रहा है दादा। जाम खड़े हैं आज। कल यहाँ पे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, देख रहा है? परिंदा, नेता भी पैर नहीं मार सकता है। अभी कलेक्टर आने वाले हैं, पूरा जायजा लेंगे। मेरे ख्याल में आ गए हैं। पूरा पानी भरा हुआ रीजनल पार्क पे। शिवराज सिंह चौहान यहीं से आएंगे जगह। तो पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा साफ हो जाएगा एक दिन में, आज रात की रात में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। अभी रात के 2 बजे हैं, तो अभी भी काम चल रहा है। तो मैं अभी इसके बाद फिर से आऊँगा रात के 2 बजे। ये 2 घंटे में ये पूरा क्लियर कर देंगे। ये पूरे वहाँ से बिछाते हुए आ रहे हैं, ये पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं और आगे तक चले जाएंगे। और आपको मैं इसके बाद 2 घंटे बाद जो है ना सुबह 4 बजे की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो देखो आप, बिल्कुल रेडी हो गया है। ये अभी सुबह के 4:30 हुए हैं, पूरा रेडी हो चुका है। देखो आप, पूरा पंडाल रेडी हो चुका है। सुबह 12 बजे जो है ना शिवराज सिंह चौहान आएँगे। देखो कितनी मेहनत से, कितनी लगन से एक दिन में पूरा ये पंडाल बना दिया। मैं देख के हैरान हो गया हूँ यार इन सबको। मतलब ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप चाहे कितने भी इनके यहाँ एड़िए रगड़ लो, कुछ नहीं होना है। वाह रे वाह गवर्नमेंट। हेलो इंडिया, नमस्ते इंदौर। तो आज बहुत ख़ास दिन है। तो आज मैं जा रहा हूँ, सीएम साहब आ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। तो आज बस प्रार्थना करो कि मेरा उससे मुलाकात हो जाए एक। तो अभी वहीं चलते हैं, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। तो चलो वहीं पे रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी उसकी। चलो मिलते हैं। पूरा रेडी कर दिया। कल आप पूरा पानी था, आज पूरा रेडी कर दिया है इसको। कन्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कन्याओं का पूजन कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि ये देश की आधार स्तंभ है, राष्ट्र की नौनिहालों की एक नवीन पौध को जन्म देने वाली सशक्त धरोहर है। तो स्वागत के इस प्रतिनिधिगण, आप सभी के लिए राउंड टेबल पर एक एक कुर्सियां खाली हैं, आप कहीं पर भी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ये चुनरी आशीर्वाद है उन कन्याओं को, एक आश्रय है उन कन्याओं को जो देश को स्वर्णिम पटल पर विकसित करने का हौसला रखती हैं। देश के विकास में ये कन्याएं एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में पथ विक्रेताओं के साथ बातचीत के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। के कमलों से यह दीप का प्रज्वलन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सदाशिव बगुले जी, जो की टूटी-फूटी सुदामा नगर से है। आज मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं होगा, आज तो जो मेरे पथ विक्रेता भाई बहन आए हैं, कोई हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचता है, कोई कहीं और दुकान लगाता है, फुटपाथ पे बैठ कर दुकान चलाता है। आज मैं और कोई हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचता है, कोई कहीं और दुकान लगाता है, फुटपाथ पे बैठ कर दुकान चलाता है। आज मैं और हमारे सांसद जी, हमारे आदरणीय विधायक मेयर साहब, हम सब फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत करेंगे। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, हम फूल बरसाएंगे, आप मेहमान हो, हम सब मेजबान हैं, हम आज आपको सुनेंगे। और इसलिए हम मंच पे कोई कुर्सी नहीं लगाई, मैं भी नीचे ही आकर बैठूंगा और जब बात होगी तो उस समय जरूर पद विक्रेता जब बोलेंगे तब जरूर, क्योंकि सब बात सुन सके इसके लिए ऊपर आएंगे। अभी मैं और मेरे साथी जिनको आपने चुना है, भारतीय जनता पार्टी को आपने प्यार, लाड़, आशीर्वाद सदैव इंदौर में दिया है, तो हम आपका स्वागत करने नीचे आ रहे हैं। मैं फूलों की वर्षा करूँगा। खुशबू की पंखुड़ियों का यह वर्षा माननीय मुख्यमंत्री वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपने प्रक्रिया में कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, समर्पण भाव से आप काम करते हैं, स्वयं के अभिमान के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आप स्वयं को आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी हितग्राहियों पर, विक्रेताओं पर अपने स्नेह के भाव खुशबू की वर्षा के माध्यम से गुलाब की पंखुड़ियों के भावों के साथ व्यक्त कर रहे हैं और स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनका प्रदेश का हर जनमानस आज प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना सर्वस्व योगदान दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी टेबलों के पास पहुंचकर पुष्पों की वर्षा के साथ उनका अभिवादन आदर से प्राप्त करना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना में इन पथ विक्रेताओं के जीवन में खुशियाँ मिले। कोरोना काल में जब हर व्यक्ति विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, लॉकडाउन के लंबे समय तक पथ विक्रेता, चाहे वो हाट ठेले और फल सब्जी बेचने वाले हो, उनके चरमराने लगे। लेकिन सदैव जमीनी हकीकत से जुड़े हमारे मुख्यमंत्री जी वापस आ रहे हैं, उनकी वर्षा करते हुए एक बार फिर बात करेंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वागत कर रहे हैं, ये गौरव का पल है। मेरे हिसाब से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो रुकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का बीच बीच में बात करूंगा, तो इसलिए शांति से आराम से बैठ के इस कार्यक्रम को संपन्न होने दें तो अपना उद्देश्य पूरा होगा। कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सदाशिव बागुल जी, क्योंकि फूल माला बनाने तथा बेचने का व्यवसाय करते हैं। वे आए और अपने अनुभवों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी के साथ साझा करें। आदरणीय सदाशिव बागुल जी का ऋण लिया, आज इनकी मासिक आय 12 से 15 हजार रुपए है। क्या नाम बताया आपने? सदाशिव बागुल। सदाशिव, बताइए आपके बारे में, पथ विक्रेताओं के बारे में। सर, आपकी जो ये पहल जो योजना है, इससे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। लॉकडाउन के बाद परिस्थितियाँ बड़ी मेडिकेट्स में मैंने एडमिशन कराया सिर्फ उस दुकान की बदौलत। अगर हमें उस दुकान में प्रॉफिट होता रहेगा तो मैं मेरे बच्चे का प्रति वर्ष 90 हजार रुपये। अगर हमारे बच्चे पढ़ने में तेज है और हम पथ विक्रेता है, संबल कार्ड कौन कौन के बने जरा हाथ का, कई लोगों का भी नहीं है, तो एक को आज मैं जब ऊपर बोलूंगा वहां से बताऊंगा कि पथ विक्रेताओं के संबल कार्ड बनना चाहिए और इस कार्ड में आपको ये लाभ मिलेगा कि हमारे बच्चों का एडमिशन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी होता है तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आपने पूरा करा। धन्यवाद साहब, आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आमंत्रित कर रहे हैं बच्चे, और अपने बच्चों में भी बहुत ताकत है, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए अपने बच्चों का एक कार्यक्रम। तो पथ विक्रेता रीना पुरोहित जी की ये 2 बच्चियां हैं, वैष्णवी और माही। जब आज के समय में बच्चे संस्कृत से दूर भागते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। मेरा नाम शंकर लालवानी जी आए, सबसे बात कर रहे हैं। वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हो या कोरोना काल में सर मेरे घर की थोड़ी खुशियों का मेला, ओ साथी एक लौटा मामा जी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सब लोग ये जा रहे हैं, तो सब ड्यूटी से लेके आए हैं लोगों को बस भर पर। क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? हाँ, बाथरूम करने जा रहे हैं ना। बाथरूम तो उधर करने जाओ ना। नहीं है, इधर ही है, ये यहीं पे वाली भैया ये बाथरूम करने जा रहा है। देखो ये यहीं पे ना, सामने है ना। इतना भी कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर अपने ऊपर। आवी के बैठे तो सबको बाथरूम आया है। सबको नहीं, ये सबकी तो प्रॉब्लम मालूम नहीं है, पर हमारी प्रॉब्लम है थोड़ी। हमारी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम। तो मामा जी का प्रोग्राम चल रहा है और लोग जा रहे हैं, सब आए हैं ऑफिस वगैरह से सब। पेड प्रमोशन चल रहा है अभी तो। चलो अभी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, घर पे बीवी इंतज़ार कर रही है। चलो खाना खाते हैं, घर पे चलते हैं।